हेलो फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले ये बोर्ड हमने रिपेयर किया था। तो ये बोर्ड देखिए, हमारे पास एक टेक्नीशियन भाई के पास आया था, ठीक है। तो इसमें उनसे इसका पावर ऑन नहीं हो रहा था, तो हमने पावर ऑन करके दे दिया था, ठीक। टीवी तो आया नहीं था पूरा, बस ये दे देते। अब उनका कहना ये है कि इसको लगाते हैं और इससे अगर लाइन दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये सेट हमारा सीरीज में ही जब स्टैंड बाय ऑन करते हैं तो लाइट ग्लो कर जा रहा है। तो उस कंडीशन में मेन देंगे तो ये उड़ ही जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने मॉस्फेट भी डाल कर चेक किया था, वही हो रहा था। तो हमने सोचा मॉस्फेट काम नहीं करेगा, तो ये लगा दिया था। तो इसके लगाने के बाद भी वही फॉल्ट आ रहा है। तो उस कंडीशन में हमारा ये जो MT है चॉपर, वो ख़राब हो जाता है। तो देखिए, उन्हीं के पास ये TV था तो वो बोले बोर्ड बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो कस्टमर जो थे वो बोले नहीं, बोर्ड नहीं बदलवाएंगे, खर्चा ज़्यादा हो जाएगा। तो वही हमसे पूछे कि इसमें इसी को बोर्ड को ऑन करना है। तो वही जो टेक्नीशियन है उनको ये ला के दिए हैं। और देखिए, हमने उनसे 300 रुपये चार्ज लिया है और बाकी सामान उन्हीं का है, क्योंकि टेक्नीशियन है तो कभी हम उनके काम में आएंगे तो वो हमारे काम में आएंगे, चलते रहता है। देखिए हमने क्या क्या किया इसमें। ये अडैप्टर लिया 12 वोल्ट 3 एम्पीयर का। ये ड्राइवर है, ठीक, जिसमें इनपुट 12 से 26 वोल्ट तक रहता है और ये 32 इंच तक चलता है, अच्छा बोर्ड है दोस्तों। और उसके बाद ये देखिए, यहाँ से प्लस वोल्ट इसमें दे दिया, ग्राउंड यहाँ दे दिया, फिर यहाँ से प्लस वोल्ट, यहाँ देखिएगा आप, ये 12 वोल्ट के लिए है डायोड, तो 12 वोल्ट यहाँ दिया, ग्राउंड हमने यहाँ कर दिया, ठीक। ये इसका ड्राइवर सेक्शन है, तो ड्राइवर सेक्शन काम नहीं करेगा क्योंकि इसका जो वाइंडिंग है और वोल्टेज है वो अलग ही है, तो ये काम नहीं करेगा, तो उसको हमने छोड़ दिया। इसके लिए हमको ये लगाना पड़ गया, ये हमने लगा दिया। और इसका कनेक्शन देख लीजिए, प्लस माइनस, और ये इनेबल पिन रहता है। तो देखिए यहाँ पर ये IC है, यहाँ पर 3.3 पहले से ही रहता है, ठीक। और स्टैंड बाय ऑन करते हैं तो कुछ पिन यहाँ है, उस पर जाएगा वोल्ट, तो हम स्टैंड बाय वाले में ही लगाएंगे। ये डायरेक्टली हमें चेक करने के लिए लगाया है। ये इनेबल पिन में गया और इसको हम निकाल लेंगे, डायोड और इसको निकाल लेंगे। अब मेन देते हैं, मेन देते ही हमारा बैकलाइट जल गया, क्योंकि यहाँ पर 3.3 वोल्ट स्टैंड बाई रिलीज़ करिए या ना करिए वहाँ रहता ही है। यहाँ पर इंडिकेटर जल रहा है दोस्तों, अब देखिए यहाँ से ऑन करेंगे, इंडिकेटर गायब हुआ, टीवी को खोल के देखते हैं। देखिए TV हमारा ऑन हो गया, बहुत इजी टिप्स है दोस्त। और देखिए अब हम इसमें इसका जो इनेबल पिन है उसको हटाकर हम स्टैंड बाय ऑन होने वाले जो पिन पर डालेंगे। तो दोस्तों हमने इसमें कोशिश किया तो देखिए हो तो गया था, इसके एक नंबर पिन से स्टैंड बाय रिलीज होने पे वोल्टेज आ रहा था, लेकिन दिक्कत ये आ रहा था कि IC लोड नहीं ले रहा था। जैसे हम स्टैंड बाय ऑन कर देते हैं, बैकलाइट कभी ऑन होता कभी ऑफ होता, ठीक है। तो इसका मतलब ये IC लोड नहीं ले रहा है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा था। हमने इसको छोड़ के वापस 8 नंबर पिन पे ही रख दिया, तो इसका बैकलाइट ऑन ही रहेगा, उससे कोई दिक्कत है नहीं। और यहाँ से हम जैसे ही स्टैंड बाय रिलीज़ करेंगे, स्टैंड बाय रिलीज़ हो गया और ये भी कनेक्ट का TV ऑन हो जाएगा। ये TV हमारा ऑन हो गया,